नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारा बॉर्नियो को आगे का टॉपिक है। तो आज हम लोग दोस्तों जो सीखने वाले हैं बॉर्नियो में सिमेटिक के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर की जो प्रॉब्लम आती है, हार्डवेयर को कैसे पहचानते हैं या उसको कैसे यूज करते हैं, और ये जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं ये चार्जिंग के बारे में वीडियो दे रहे हैं। अगर आप लोग दोस्तों देखेंगे तो मैं चार्जिंग के बारे में आपको कई दिन से समझा रहा हूँ। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, चार दिन, पाँच दिन, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का टॉपिक सबसे बड़ा होता है। दूसरी बात क्या होता है, चार्जिंग से मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। चार्जिंग की वजह से ही हमारे मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा डेड होते हैं, या चार्जिंग सर्किट ख़राब होने से, ओवर वोल्टेज होने से, या ट्रैक सिग्नल ख़राब होने की वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन में डेड की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो हम लोग चार्जिंग को थोड़ा सा डीपली से पढ़ेंगे ताकि आगे चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आए। और इन वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब आपको वीडियो के माध्यम से इतना सारा जानकारी मिल रहा है, तो जब आप क्लास में ट्रेनिंग लेंगे तो आपको और एक बाय स्टेप आपको पूरा प्रैक्टिकली बताया जाएगा, और कई सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग आज बॉर्नियो के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या आती है उसको कैसे रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम लोग दोस्तों आज समझेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, हम लोग अपने बॉर्नियो सिमेटिक पे चलते हैं, सिमेटिक को ओपन करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और आज हम आपको लेकर के आए हैं कि मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है उसको सिमेटिक के माध्यम से कैसे ट्रेस करते हैं, या इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन को कैसे रीड किया जाता है। आज की वीडियो में आप पीडीएफ को रीड करना भी समझेंगे कि पीडीएफ को कैसे रीड किया जाता है, यह पीडीएफ को रीड करने का तरीका क्या होता है। तो यह हमारा ओपन हो गया बॉर्नियो सिमेटिक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया, इसमें क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी सारे सर्किट्स हैं सब चीज़ों के बारे में ओपन करेगा। ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है। ये ओपन होने का समय का मतलब होता है आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके इंटरनेट में जितना स्पीड फास्ट होगा उतना फास्ट शो करेगा, अगर स्पीड कम होगी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो आज हम लोग जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें चार्जिंग की लाइन आती है। हम आपको जैसे ट्रैक आपको बना करके पहले बताए थे कि चार्जिंग की लाइन को चेक करने का सिस्टम क्या होता है, वो आज हम आपको सिमेटिक में बताएंगे। तो ये पहले अपना हार्डवेयर है, ये बिटमैप और सिमेटिक है। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो सिमेटिक के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन के जो रिपेयरिंग के जो चार्जिंग के सर्किट होते हैं, वो चार्जिंग के सर्किट भी दो तरीके से बने होते हैं। सबसे पहले जितने भी मोबाइल फ़ोन के जो चार्जिंग के सर्किट होते हैं वो टोटली जो बने होते हैं उनका बेस्ड ऑन क्या रहता है, सीपीयू रहता है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन में क्वालिकॉम का सीपीयू लगा हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि उसका जो सर्किट होगा क्वालिकॉम के हिसाब से होगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है तो समझ लीजिए उसका जो सर्किट होगा मीडियाटेक के हिसाब से होगा। मतलब मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है वो भी सीपीयू बेस्ड ऑन होती है। अब कैसे बेस्ड ऑन होती है ये सर मैं आपको पूरा डीपली आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जितने भी सारे जो रिपेयरिंग करने वाले हैं वो ये देख सकें कि मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम का हल एक दूसरे फ़ोन से कैसे निकाला जा सकता है, या अगर इस मोबाइल फ़ोन में अगर ऐसा चार्जिंग का सर्किट है तो दूसरे मोबाइल फ़ोन में अगर ये सीपीयू लगा हुआ है और आपस में सेम सीपीयू है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका चार्जिंग सर्किट भी कहीं ना कहीं मैच करेगा। और अगर मान लिया आपके पास मोबाइल फ़ोन क्वालिकॉम सीपीयू का है, जैसे मान लिया एमआई का 5A मोबाइल फ़ोन है और यहीं पर यदि मीडियाटेक का एमआई का 6A मोबाइल फ़ोन है, तो दोनों का चार्जिंग सर्किट बदल जाएगा। इसका चार्जिंग सर्किट अलग हो जाएगा, इसका चार्जिंग सर्किट अलग हो जाएगा। मतलब काम सेम रहेगा, सेम वही वोल्टेज, सेम वही वर्किंग, सब कुछ सेम, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव हो जाएगा, यही सारा चीज़ जो है आज हम आपको सिमेटिक के माध्यम से पूरा आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्किट को ओपन करते हैं। सिमेटिक में गए, हमने Xiaomi को ओपन किया। Xiaomi के बाद हम लोग पहले अपने Redmi 5A को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास Redmi 5A है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है लेआउट, दूसरा होता है
सिमेटिक। देखिए ये जो आपका सिमेटिक आता है ये एक्चुअली एक तरीके का पीडीएफ है। ये क्या है? पीडीएफ है जो मोबाइल फ़ोन के जितने भी सारे सर्किट होते हैं सारे सर्किट को अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। उसके बाद ये आपका जो लेआउट होता है, ये लेआउट आपका पूरा मोबाइल फ़ोन का पीसीबी का बोर्ड होता है। क्या होता है? पीसीबी का बोर्ड होता है। इसमें से क्या रहता है, अगर आप देखेंगे आगे का, पीछे का, फ्रंट बैक का, जो भी सारा पीसीबी है वो पीसीबी का डिटेल इसमें दिया हुआ है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन में जैसे इसमें चार्जिंग के सर्किट को समझना है, तो चार्जिंग के सर्किट को समझने का मतलब क्या होता है, जैसे आप अगर देखेंगे तो ये एक आपका जे लगा, जे का मतलब क्या होता है? जैक। जे का मतलब क्या होता है? जैक। और जहाँ पर यू 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 करके लिखा होता है तो यू का मतलब क्या होता है? आईसी। और बाकी रजिस्टर हैं, कैपेसिटर हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर हैं, तो उसमें सी है, आर है, डी है, वी है, इस तरीके से उसको आसानी से कंपनी इसको डिनोट करती है। हम लोग बात करेंगे ये हमारा जैसे एलसीडी का जैक है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है और ये आपका यूआई का जैक है। तो हमारी जो चार्जिंग की जो सप्लाई आती है वो सबसे पहले कहाँ पर आती है? यूआई पे आती है। तो पहले फर्स्ट ऑल ऑफ आप देखेंगे ये जैक देखेंगे तो इस जैक में एक नंबर डला हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको आपको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये नंबर डला हुआ है। तो अगर आप क्या करेंगे, सबसे पहली बार जैसे इसमें लिखा हुआ है J1901, तो J1901 में ही हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई ना कोई एक ऐसा चार्जिंग का लाइन होगा जो सप्लाई होते हुए हमारे आईसी पे कहीं ना कहीं जा रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे लगी होती हैं और उनको बोर्ड में कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरी बात कि आज मैं एक इसके साथ में और एक ऐसा ईजी तरीका आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास अगर उस चीज़ को देख लोगे तो उसके लिए आपको सर्किट फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा और बिल्कुल इजीली से सारी चीज़ों को क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको हमने ओपन किया और इसमें क्या लिखा हुआ है, J1901, ये हमारे जैक है। अब इस जैक के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हम लोग क्या ओपन कर रखे हैं, सिमेटिक ओपन कर रखे हैं, ये आपका लेआउट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमेटिक में जाएंगे। सिमेटिक का मतलब क्या होता है, वही जो मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एक करके ट्रैक के बारे में, कौन सा ट्रैक कैसे चलता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, कैसे सप्लाई फिल्टर होती है, कैसे आईसी पे पहुंचती है, पूरा डिटेल में उसमें दिया होता है। तो ये हमारा जो हम लोगों ने जो देखा था उसका नंबर क्या था, J101। इसको अगर आप चाहें तो सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए नंबर ऊपर लिख करके आ जाएगा। ये नंबर ऊपर लिख करके आने का मतलब क्या होता है, आप इस नंबर को जैसे लिख करके आएगा तो इस नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। या नहीं कॉपी करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खाली J1901 इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने सिमेटिक में जाएंगे। सिमेटिक में यहाँ पर जा करके इस चीज़ को जो आपने कॉपी किया था उस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर मान लिया पेस्ट नहीं हो पाता तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप सीधे वहाँ पर जाइए J1901 को टाइप कर दीजिए। जैसे टाइप करके आप सर्च मारेंगे, सर्च मारते ही देखो P15 लिख जाता है। यहाँ पर क्या लिख जाता है दोस्तों, P15। P15 का मतलब क्या होता है, इसमें ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, Page 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे Page 13 से लेकर 34, ये लिखा हुआ ना 13 से लेकर 34। तो ये जो हमारा जो दिया हुआ है ये किस में है, P15 में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 15 में जाकर के उस सर्किट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, ये पेज नंबर 15 में इसने ओपन कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। अगर आप लोग अगर इसमें देखेंगे तो ये पूरा इसने लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि ये वाला जो सर्किट है इसमें ऐसे माइक भी है, यूएसबी भी है, आरजीबी भी है, स्पीकर भी है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इसने क्या कर रखा है, सारे पॉइंट को इसने कंपनी ने क्या कर रखा है, डिनोट कर रखा है। क्यों डिनोट कर रखा है कि मतलब स्पीकर का भी ट्रैक है, आरजीबी का भी ट्रैक है, यूएसबी का भी ट्रैक है, माइक का भी ट्रैक है, माइक का भी ट्रैक दिया हुआ है। तो हम लोग अपना चार्जिंग का ट्रैक देख रहे हैं, तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है, हमारा यूएसबी, यूएसबी में हमारा चार्जिंग का सर्किट आता है।
तो चार्जिंग के सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझते हैं। अगर आप इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो ये आपका पूरा जैक बना हुआ है। जैक में से ये जो सप्लाई यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद ये एक टिप्स पे जा रही है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको, ये देखिए, ये चार्जिंग की सप्लाई है, जो आपका जैक है, जैक से सप्लाई निकलेगी। जैक से सप्लाई निकलने के बाद कौन से पिन से सप्लाई निकल रही है, पिन नंबर 29, 30, 34, मतलब इन चारों 31, चारों पिनों से सप्लाई निकल रही है। चारों पिनों से सप्लाई निकलने के बाद यहाँ पर पहले टिप्स पे गई, टिप्स के बाद एक डायोड लगा हुआ है, ये TVS डायोड है। उस डायोड के बाद आगे पॉइंट दे दिया, आगे पॉइंट का मतलब होता है USB वी बस इन, ये सप्लाई कहीं और भी जा रही है। अब कहाँ पर जा रही है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे के लिए खोल देगा कि भाई आगे का लाइन हमारा कहाँ जा रहा है। तो हम लोग पहले, हम लोगों ने जैसे इसमें देखा कि चार्जिंग के लाइन में जो सर्किट है यहाँ से आया, इस टिप्स पे जा रहा है, ये टिप्स आपका चार्जिंग जैक का पॉइंट होता है, इसे वी बस पॉइंट या चार्जिंग पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं आप। अगर आपकी जो चार्जिंग की सप्लाई ख़राब हो जाती तो हम लोग इसी पॉइंट पे जोड़ देते थे, जिससे हमारी चार्जिंग का लाइन चालू हो जाता था। उसके बाद आपको इसके ट्रैक में डायोड लगा हुआ है, अगर कल को अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से होते हुए जो आप आगे जा रही है, वो लाइन आगे जाना बंद हो जाएगी और आपके चार्जिंग के लाइन में शॉर्टिंग हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायोड को मदरबोर्ड से रिमूव करेंगे, ये प्रोटेक्शन के लिए हमारा डायोड लगा हुआ है। उसके बाद फिर सप्लाई आगे जाएगी, जैसे आप इसमें ऐसे क्लिक करेंगे, ये क्लिक करते ही आगे का खोल देगा। आगे का खोलने का मतलब क्या होता है, जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सर्किट बने होते हैं, वो थोड़ा सा अलग अलग टुकड़ों में इसलिए कंपनी बनाती है कि अगर वो एक साथ बना देगी तो पूरा गिचिर पिचिर हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ना आपको समझा पाएगा, ना तुम उसकी बात को समझ पाएंगे। तो इसलिए उसने लिंक दे रखा था कि आप जहाँ पर ख़त्म हो रहा हो उस पर क्लिक करेंगे तो आगे का लाइन कहीं ना कहीं खोल देगा। वो आगे का लाइन किसी और पेज पर होता है, जैसे पेज नंबर 2 पर उसने खोल रखा है। अब आपने देखा यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर सप्लाई चलेगी, सबसे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के बाद फिर सप्लाई आगे जाएगी। उसके बाद अगर आप ये देख रहे थे तो ये एक आपकी जो लगी थी, ये OVP IC लगी थी, यहीं पर जो लगी थी, ये कौन सी IC है, OVP IC लगी है। इसमें से ये दिया हुआ है इन, ये दिया हुआ है आउट। इसका काम क्या होता है, यहाँ से 5 वोल्ट जो सप्लाई हमारी आ रही होती है, उसी 5 वोल्ट सप्लाई को प्रोटेक्ट कर करके इस कैपेसिटर पर हमारा 5 वोल्ट आउटपुट हो जाता है। तो अगर कल को तुम्हारी IC खराब हो जाती है तो इस IC को मदरबोर्ड से आप निकाल दीजिए। मदरबोर्ड से निकालने के बाद ये इस कैपेसिटर से लेकर के इस कैपेसिटर पर ऐसे जंपर को बाईपास कर देंगे और आपका ये चार्जिंग का सर्किट क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा और चार्जिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन में OVP IC खराब होने से मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या आती है, चार्जिंग की सप्लाई आगे जाना बंद हो जाती है। अब हम आपको आगे समझाते हैं, ये चार्जिंग की सप्लाई जब यहाँ पर आ जाएगी तो फिर आप आगे जैसे क्लिक करेंगे, इस पर लिखा है ना VBUS IN, ऐसे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आगे के लिए खोल देगा। अब जैसे ही आगे के लिए खोल देगा तो आगे के लिए इसने क्या बताया, आगे के लिए इसका प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि ये देखिए भाई VBUS IN लिखा हुआ है। VBUS IN लिखने के बाद ये सप्लाई तुम्हारी यहाँ पर आ रही है और यहाँ से आने के बाद ये सप्लाई तुम्हारे कैपेसिटर पर गई, फिर दूसरे कैपेसिटर पर गई, तीसरे कैपेसिटर पर गई और सप्लाई चली गई VBUS IN, ये सप्लाई चली गई U050 IC, ये आपकी चार्जिंग IC है। चार्जिंग IC पे सप्लाई आ गया इनपुट। अब जब चार्जिंग IC पे सप्लाई इनपुट आ जाएगा तो चार्जिंग IC क्या करेगी, आउटपुट निकालेगी, क्या निकालेगी, आउटपुट निकालेगी। अगर आप आउटपुट की बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये चार्जिंग IC का ये आउटपुट लाइन है और ये लिखा CA चार्ज आउट, मतलब चार्ज आउट वोल्टेज है। ये आउट वोल्टेज कहाँ पर जाएंगे, जो आपके बैटरी कनेक्टर में जाकर के चार्ज करेंगे। तो यहाँ से आउटपुट सप्लाई हो रही है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर से सप्लाई फिल्टर होकर के आगे आउट हो रही है। हम जैसे ही आगे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा आगे का भी सर्किट ओपन होगा। ये देखिए, जैसे चार्ज आउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चार्ज आउट यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि ये चार्ज आउट सप्लाई आएगी। उस चार्ज आउट सप्लाई होने के बाद यही सप्लाई यहाँ से होते हुए एक रेजिस्टेंस पे जाएगी, ये चार्ज आउट सप्लाई है, चार्ज सप्लाई आउट होने के बाद एक रेजिस्टेंस पे गई, ये रेजिस्टेंस 0.1, 0.1 का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं, एक साधारण सा फ्यूज की तरह रेजिस्टर लगा हुआ है, LVR की तरह लगा हुआ है। तो यहाँ से सप्लाई होते हुए चला जाएगा तुम्हारे VBAT के अंदर, जिससे तुम्हारी बैटरी चार्ज होना
शुरू हो जाएगी। अब देखिए इसने आगे एरो बना रखा है, आप इसके आगे एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जहां लिखा हुआ ना ऐसे, इस पे देखो नहीं आ रहा है, इस पे गए तो क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, जहां पर उंगली बन गया वहीं उंगली करो ऐसे। जैसे आप वी बैट पर क्लिक करेंगे तो देखिए वी बैट का लाइन खुल जाएगा, वी बैट का लाइन यहाँ से सप्लाई आएगी, कैपेसिटर है, फिर कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के बाद ये टेस्ट पॉइंट पे जाएगी। कहाँ पर जाएगी? एक टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ, जैसे चार्जिंग का टेस्ट पॉइंट दिया था उसी तरीके से इसका भी एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद टेस्ट पॉइंट के बाद सप्लाई आएगी और आपके चली जाएगी बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर। ये जैसे आपका बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है यहाँ, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये सप्लाई हमारी यहाँ से वी बैट से इन हुई, वी बैट से इन होने के बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए और आपके बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पे पहुँच जाती है। लिखा ना बैटरी कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पे पहुँच जाती है। जैसे बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पे पहुँच जाएगी और आपकी सप्लाई चालू हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी आउटपुट लाइन है, ये हम लोगों ने जो सीखा है वो कौन सा लाइन है, आउटपुट लाइन है। उससे पहले जहाँ से सप्लाई इन हो रही थी वो हमारी चार्जिंग की इनपुट लाइन थी। हम लोग जैसे एक बार वहाँ से चेक करते हुए हैं उसी तरीके से एक बार फिर बैक रिवर्स टेस्टिंग करते हैं और हम आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर सप्लाई चली, उसके बाद सप्लाई चलने के बाद फिर आगे चली गई, आगे जाने के बाद फिर ये हमारे वी बैट पॉइंट पर आ रही थी। जैसे वी बैट पॉइंट पर हम लोगों ने क्लिक किया, वी बैट पॉइंट सप्लाई गई एक रजिस्टर के माध्यम से, ये हमारी चार्जिंग की आउटलाइन है। चार्जिंग की आउटलाइन सप्लाई हमारी कहाँ पर आ गई? ये आ गई। ये चार्जिंग की आउटलाइन सप्लाई कहाँ पर आ गई? चार्जिंग आईसी पे आ गई। ये आपकी चार्जिंग आईसी लगी है जो बी क्यू आईसी नाम से, अगर आप देखेंगे बी पावर चार्जर बी क्यू 25601, ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी है, यही आपकी आउटपुट लाइन है। और ये देखिए वी बस करके लिख करके आ रहा था, ये आपका इनपुट लाइन है। कौन सा लाइन है? इनपुट लाइन है। इनपुट लाइन में फिर आप सप्लाई देखेंगे कैपेसिटर से होते हुए, ये वी बस का आगे का लाइन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके आगे के लिए खोल देगा, फिर आप सप्लाई को अगर आप देख, तो जैसा कि मैंने आपको ये चार्जिंग के बारे में, मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों लाइनों के बारे में आपको बताया कि कैसे सप्लाई जा रही थी, फिर वहाँ से भी मैंने आपको रिटर्न करके बताया। तो ये मैंने आपको बताया कि चार्जिंग सप्लाई को ट्रैक को देखने का। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको तो हम लोगों ने ट्रैक को रीड कर लिया, अब हम इसको मदरबोर्ड में कैसे फाइंड करेंगे कि सप्लाई कैसे कैसे जा रही है और इसको कैसे व्यू करेंगे, कैसे देखेंगे मदरबोर्ड में कैसे देखेंगे, इस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो मदरबोर्ड में देखने के लिए तो यहाँ से सप्लाई आई और इसका टेस्ट पॉइंट का एक नाम है, क्या नाम है? टेस्ट पॉइंट TP5। अगर आप देखेंगे तो 1.0 mm साइज़ का है, ये भी दे रखा है कि मतलब थोड़ा काफ़ी मोटा है कि आप जम्पर लगा सकते हैं, TP5। अब आप TP5 को क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए Ctrl+C। उसके बाद आप इसके लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जा करके जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे Ctrl+V करेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे, मतलब सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए P2 का मतलब होता है पेज नंबर 2। इसमें दो पेज थे, पेज नंबर ए, दो ही पेज है ना, अगर आप देखेंगे तो कोई लिखा हुआ आ रहा है ऊपर डिटेल में, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 का मतलब होता है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। पेज नंबर 1-2 का मतलब ये है कि एक है फर्स्ट साइड, दूसरा है सेकंड साइड। तो फर्स्ट साइड में नहीं, इसमें सेकंड साइड में, मतलब सेकंड साइड में पेज नंबर 2 में टेस्ट पॉइंट T5 दिया हुआ है। अब आप T5 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिए तुरंत पूरे मदरबोर्ड में सिर्फ जो TP5 है वही पॉइंट हाईलाइट होगा। तो अगर आप इसी चीज़ को बिल्कुल सेम हू बहू जब मदरबोर्ड अपने हाथ में रख लेंगे और उस मदरबोर्ड में देखेंगे कि ये जैक है और जैक के जस्ट पास में ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो टीपी पॉइंट की जो सप्लाई है, ये जैक की जो पिनें थी, इन पिनों से सप्लाई होते हुए यहाँ पर आ रही है। तो पहले सप्लाई कहाँ पर आ गई? टेस्ट पॉइंट पर आएगी। टेस्ट पॉइंट के बाद मैं इसी तरीके से पूरा आपको एक करके पूरा फाइंड करके डिटेल में बताता हूँ। ये टेस्ट पॉइंट पे सप्लाई आ गई, टेस्ट पॉइंट के बाद फिर कहाँ जाएगी? फिर इसके लिए फिर आप अपना वही सिमेटिक में जाइए, ये टेस्ट पॉइंट था, टेस्ट पॉइंट के बाद लाइन आगे गई, फिर ये डायोड पे आई। इस डायोड का नंबर कितना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C, फिर हम लोग क्या करेंगे अपने लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर जा करके इसको पेस्ट करेंगे Ctrl+V। Ctrl+V करने के बाद सर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे तो देखो लिखा है, ये भी कह रहा है पेज नंबर 2 पे, मतलब ये भी उसी के आसपास है।
जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन लिख करके आ गया, ये देखो हो गया डन। डार्क सर्कल होने का मतलब क्या, ये आपका डायोड लगा हुआ है। अब अगर यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि यहाँ पर डार्क सर्कल के बाद अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर का एक डॉट लगा है, तो ब्लैक कलर का डॉट कंपनी कहीं पर ऐसा लगा देने का मतलब रहता है कि ये कंपोनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये डायोड मदरबोर्ड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो या ना हो लेकिन उसकी जगह जरूर होगी, मतलब जहाँ पर लगने वाला था उसका जगह जरूर होगी। तो मतलब ये सप्लाई अब तुम्हारी कहाँ से आएगी, इन पॉइंटों से वही होते हुए इस पर आएगी, इसके बाद अब टीपी पे जाएगी, उसके बाद सप्लाई आगे जाएगी, क्योंकि डायोड का दूसरा हिस्सा क्या है, माइनस है, जो आपके सर्किट में इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों अगर आपको क्लियर से समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, और देखने के बाद इनको कॉपी में नोट भी करते रहें। जो लोग डायग्राम चला रहे हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल वीडियो होगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो डायग्राम खरीद लेते हैं लेकिन उनको चलाने नहीं आता, लेकिन बाद में वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाली है। फिर हम लोग अपने सर्किट में गए, यहाँ से गए सप्लाई, उसके बाद सप्लाई वी बस यू एस बी पे गई, आपने इस पर टिक किया, इसने आगे के लिए खोल दिया। आगे खोलने के बाद फिर ये सप्लाई कहाँ जाएगी, ये कैपेसिटर पर जाएगी। कैपेसिटर का नंबर कितना है, C5608। इसके बाद C5608 के बाद फिर आपकी आईसी लगी है, ये जिसका नंबर है U053। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद फिर आप अपने इसी लेआउट पर चले जाएंगे, और लेआउट पर जाने के बाद फिर आप वही काम करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखिए ये भी बता रहा भाई P2 को, मतलब पेज नंबर 2। फिर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करते ही ये खोल देगा कहाँ पर है पेज नंबर 2। थोड़ा सा मैं इसको जूम कम करता हूँ, ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये हाईलाइट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा हाईलाइट, थोड़ा सा और जूम करेंगे, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। ये आपकी आईसी लगी है U5001। अच्छा एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जितने भी सारे आपके मोबाइल फ़ोन में मदरबोर्ड के अंदर जो आईसियाँ लगी होती हैं, जैसे ये आईसी लगी है, ये आईसी लगी है, ये आईसी लगी है, तो इस आईसी के आसपास के जितने भी सारे जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, या इस आईसी से जुड़े जितने सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स का जो डिनोटिंग नंबर होता है वो समथिंग सेम होता है। जैसे मैं एग्जांपल से बात बताता हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये आपकी लगी आईसी का नंबर है U0501, तो देखिए इसका नाम है 0503, 05016, 05017। अगर आप यहीं पर देखेंगे यहाँ पर लगा हुआ ये C3638, मतलब ये इसके सर्किट का कंपोनेंट नहीं है। अगर आप इधर देखेंगे इसका लगा हुआ C1661, तो ये इसका नंबर दूसरा है, इसका नंबर दूसरा, तो मतलब ये इसके लाइन का कंपोनेंट नहीं है। तो एक सर्किट में ये चीज़ मैंने आपको जो बताई है बहुत हेल्पफुल होगी, कि अगर आप कल को कोई कंपोनेंट का दूसरा नंबर देख रहे हैं, मतलब इस आईसी से जुड़ा कंपोनेंट था 0535 और तुमने देख लिया 2530, तो इसका मतलब वो तो 05 वाली सीरीज चल रही थी, अब ये 2530 सीरीज आ गई, तो इसका मतलब ये वो दूसरे आईसी के नंबर के हिसाब से जितने भी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सर्किट या पीडीएफ में जो शो होते हैं, वो अपने आईसी के नंबर के हिसाब से ही उनकी 1 2 3 4 5 6 की काउंटिंग होती है। अगर आईसी का नंबर है 0501 तो कोई दूसरा कंपोनेंट होगा, उसका नाम होगा 0502, 0503, 0504, 0506। इसका मतलब ये है कि जितने भी इस सीरीज के जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो पर्टिकुलर उसी सर्किट के हैं, यानी उसी ट्रैक से आपस में कंबाइंड होने वाले हैं, उसी ट्रैक से जुड़ने वाले। अगर कल को वो कंपोनेंट्स अगर इधर से उठ करके कहीं बैक साइड में चला जाता है, पीछे साइड में चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, तब भी उस बात को आप यही गौर करेंगे कि वो इसी से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर जो नंबर है ना वो वही दिया हुआ है। बेशक अगर रजिस्टर लगा R0501, C5013, C0515, C0512, R0503, मतलब उसी 05 से ही सीरीज से मतलब जुड़ा हुआ है जिस सीरीज में आपकी आईसी दी हुई है, तो ये आपके लिए बहुत सिमेटिक रीड करने वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों ये हमने देखा, तो ये हमारी ओवीपी आईसी लगी थी,
तो ओबीपी आईसी पे क्या है, अब मैं पूरे सर्किट को आपको थोड़ा सा, मैं आपको डिटेल में आपको इसमें समझाता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके, कि हमने जब आपको देखा था, पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ ये देखिए, ये हमारे मदरबोर्ड में जो हमारा ये जो पॉइंट बना हुआ था, हम लोगों ने यहाँ से देखा सप्लाई यहाँ पर आ गई, डायोड पे आ गई, डायोड के बाद ये कैपेसिटर पे गई, ओवीपी पे गई, ओवीपी से होते हुए इस पे चली गई, उसके बाद होते हुए आईसी के अंदर चली गई। इसी तरीके से भाई आप स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप भाई आप सर्किट को देखते हुए चले जाएंगे और पूरे मदरबोर्ड को ट्रैक को रीड कर लेंगे। जब पूरे मदरबोर्ड को ट्रैक को रीड कर लेंगे तो आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन रखा होगा या जो भी मोबाइल फ़ोन का पीसीबी रखा होगा, तो उस पीसीबी में देख करके आप ये समझ जाएंगे कि इसके लाइन में ये लगा हुआ है, ये सीरीज पोजीशन में लगा है कि पैरेलल पोजीशन में लगा है, ये सप्लाई को रोकेगा कि पास करेगा, कि सप्लाई को फिल्टर करेगा, क्या करेगा, वो सारी चीज़ें इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर आपको समझाया था सर्किट में। अच्छा, सर्किट देखने से कह दो हमको सर जी क्या समझ में आता है, सर्किट देखने से हमको कंपोनेंट की पोजीशन समझ में आती है कि यहाँ से लाइन आएगी कैपेसिटर पर जाएगी, कैपेसिटर तुम्हारा एक तरफ का सप्लाई से जुड़ा है, दूसरा हिस्सा ग्राउंड है मतलब पैरेलल पोजीशन में लगा हुआ है, उसके बाद सप्लाई आगे जाएगी, सप्लाई आगे ओवीपी से होते हुए फिर एक कैपेसिटर पर जाएगी, तो कौन सा कंपोनेंट किस किस पोजीशन में लगा हुआ है, ये इस सर्किट से हमारा पूरा लाइनें क्लियर हो जाती हैं। अब उसी लाइनों को जब हम लोग मदरबोर्ड में देखते हैं तो उसी के हिसाब से ही मदरबोर्ड में हम लोग फाइंड करते हैं, बेशक वो इधर उधर हो लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल उसी के हिसाब से कि पहले ये लगा है, फिर ये लगा है, फिर ये लगा है, फिर ये लगा है, सप्लाई पहले इस पे जाएगी, फिर इस पे जाएगी, फिर इस पे जाएगी, कौन सप्लाई को पास करेगा, कौन सप्लाई को फिल्टर करेगा, ये आप उसके सीरीज पैरेलल की पोजीशन पे, लगने की पोजीशन पे आप देख करके समझ सकते हैं और उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको, मैंने सिमेटिक के बारे में आपको बताया हुआ है किस तरीके से सिमेटिक के माध्यम से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ये दोस्तों जो मैंने बताया ये आपका MI का 5A मदरबोर्ड का था। अब हम लोग दूसरे PCB के बारे में सीखते हैं कि जैसे मैंने 5A के बारे में बताया है उसी तरीके से मैं दूसरा 6A के बारे में बताता हूँ। 6A में मेरा बताने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि Redmi 6 और 6A दोनों का एक ही होता है, 5A का अलग होता है। 5A के अंदर क्वालिकॉम प्रोसेसर लगा होता है तो क्वालिकॉम का सर्किट बना होता है, जो 6A के अंदर मीडियाटेक प्रोसेसर लगा होता है तो उसका मीडियाटेक का सर्किट बना होता है। अब मैं आपको उसके बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, हमने Redmi 6A पे गए, Redmi 6A पे जाने के बाद हम लोगों ने Redmi 6A का क्या खोला, लेआउट खोल लिया, Redmi 6A का सिमेटिक भी खोल लिया, 5 पे खोल गया, एक बार तो खुला, दोबारा फिर खुल गया, इसको बंद करते हैं। देखिए तो ये हमारा लेआउट खुल जाता है। अब लेआउट में जैसे ये है उसके बाद फिर नीचे का है, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है, देखिए ये पेज नंबर 1, दो पेज हैं 1 2। अब देखना जैसे मैं 2 पे पहुँचा तो देखो यहाँ पर 2 हो गया, तो पेज नंबर 1 2 पेज को गौर करेंगे ताकि ये सब रीड करने में आपकी बहुत मदद करने है, वरना हम लोग गुमराह हो जाते हैं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एक माया जाल की तरह है, अगर तुम जाल में फंस गए तो ना माया मिलेगी ना जाल मिलेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तुमको माया जाल में फंसना नहीं, तुमको निकलना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने डायग्राम में, ये हमारा डायग्राम है, इसमें भी पेज है, देखो पेज नंबर 2 36 पेज दिए हुए, देखो जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे 4 हो जाएगा, देखिए तो ये पेज दिए हुए हैं, तो ये वो डिनोट करते ही तुरंत बता देता है कि आप कौन से पेज की पोजीशन में आपको पहुंचना है। हम लोगों ने अपना 6 Pro का ये हमने लेआउट को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने 6 Pro गलत खोल रखा है, हमको मीडियाटेक खोलना है और Redmi 6 का लेआउट खोला, क्योंकि Redmi जो 6 Pro है इसके अंदर क्वालिकॉम प्रोसेसर लगा है, क्वालिकॉम को देख सर्किट रेडी कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो ये हम लोगों ने क्वालिकॉम का देखा, मीडियाटेक में आ गए, तो ये 6A है, ये क्या है डायग्राम है और ये आपका लेआउट है। चलिए हम लोग पहले लेआउट में चलते हैं, डायग्राम में डायरेक्ट जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले सीधे सीधे आपको लेआउट में जाना पड़ेगा। लेआउट का मतलब होता है प्लेट, मदरबोर्ड, PCB।
अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें देखिए ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ये आपका फिल्टर्स लगे हैं, तो ये आपका डिस्प्ले का जैक है और ये आपका यूआई जैक है। अगर आप इसमें देखना चाहें तो इससे तो देख ही सकते हैं, अगर नहीं इसमें देखना चाहते तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, ये कंपोनेंट लगे हैं, फिल्टर हैं, ये जैक है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ये आपका यूआई का जैक है। नहीं तो आपके पास जब मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग होने के लिए आएगा तो हूबहू पीसीबी आएगा, तो उससे भी देख करके मैच कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका नंबर देखो दिया हुआ है J1901। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें, हम लोग यहाँ से करते हैं, इसको ऑपरेट करना माउस से बहुत अच्छा रहता है। अब आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद फिर वही अपने पुराने प्रोसेस पे आएंगे। ये हमने लेआउट पे कंट्रोल सी कर लिया, डायग्राम पे जाएंगे, डायग्राम पे आ जाने के बाद कंट्रोल वी करेंगे। जैसे कंट्रोल वी करने के बाद सर्च करेंगे तो सर्च करते ही देखिए तुरंत खोल के बता देगा पेज नंबर 31 कहाँ पर पहुँचा, 34 तो पेज है ही है, ये पेज नंबर 31 पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको पेज नंबर 31 पे खड़ा कर देगा। देखिए हो गया ना पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 का ये जैक खोल दिया। ये कौन सा जैक खोल दिया तुम्हारा, नीचे का यूआई जैक, B2BS मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। यहाँ पर सप्लाई अगर देखेंगे तो ये देखिए स्पीकर का है, फिर उसके बाद आप सप्लाई देखेंगे तो कहीं ना कहीं चार्जिंग का सप्लाई दिया है, डिटेल दिया होगा तो आप उससे एक बार रीड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि सारी चीज़ें एक बार में दिख जाएं। अब हमको क्या करना है, इसमें चार्जिंग के लाइन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चार्जिंग के लाइन को फाइंड करना है। ये इसमें DPDM दिया हुआ है, ये तुम्हारा USB का पॉइंट है, ये तुम्हारा VCC दिया हुआ है, वोल्टेज ऑफ सिस्टम, ये तुम्हारा USB का ID पॉइंट दिया हुआ है, ये तुम्हारा टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, और जूम करने के बाद देखिए हम लोग इसमें पूरे सर्किट में इसमें देखेंगे कि हमारे सर्किट में चार्जिंग का इनपुट का पॉइंट कौन सा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है USB आइडेंटिटी, मतलब USB की सप्लाई हमारी आ रही है। ये आपका टेस्ट पॉइंट भी दिया हो। उसके बाद ये देखिए एक हमारा ये दिया हुआ है, इसमें लिखा V बस USB इन, ये कौन सा है, V बस USB इन मतलब वोल्टेज ऑफ बाइसिंग, वोल्टेज ऑफ बाइस 5 वोल्ट करंट यहाँ पर आता है। लेकिन 5 वोल्ट का करंट आएगा कहाँ से, जब सबसे पहली बात आप क्या लगा देंगे, ये UI का पत्ता लगा देंगे, क्या लगा देंगे, UI का पत्ता। उसके बाद इसमें आप देखेंगे स्पीकर का भी लाइन इसमें दिया हुआ है, और आपका इसमें टच का भी लाइन इसमें दिया हुआ, क्योंकि टच का भी सर्किट इसी के अंदर से जाता है। तो इस कनेक्टर के अंदर और भी बहुत सारी कनेक्टिविटी होती है, तो उस कनेक्टिविटी को भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपने चार्जिंग को चेक करते हैं। तो चार्जिंग में इसमें भी पॉइंट दिया हुआ है कि 29, 30, 34 यहाँ से सप्लाई निकलेगी, इस टेस्ट पॉइंट पर जाएगी, इस टेस्ट पॉइंट पर यह TP14 लिखा हुआ है, उसके बाद सप्लाई जाएगी एक डायोड पर जाएगी, डायोड के बाद कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर पर सप्लाई फिल्टर होते हुए इस पर चली जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे का लाइन आपको खोल देगा। आगे का लाइन कहाँ पर गया, वी बस यूएसबी 15 मतलब पेज नंबर 15 पे भी दिया हुआ है। जैसे पेज नंबर आप 15 पे ले गए तो 15 पे लाने के बाद इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 47 किलो ओम का, फिर एक कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बाद फिर एक सप्लाई लगी। अब देखिए ये भी जो तुम्हारी IC लगी है, यहाँ से इन हो गई, यहाँ से आउट हो रही, तो ये भी IC तुम्हारी OVP के लगे हुए हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ग्रुप में IC लगी है, जो सप्लाई को ले रही है और सप्लाई को दे रही है। कल को अगर तुम्हारी IC खराब हो जाएगी तो चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई आगे गए, फिर वी बस पर क्लिक करें। जैसे आप वी बस पर क्लिक किया तो वी बस पर क्लिक करते ही देखिए वो सप्लाई कहाँ पर जा रही है, पेज नंबर 7 पे भी जा रही है, 12 पे भी जा रही है, 15, 12, 12, 12, 12, 15, 15, 31। तो 15 को तो हम देख ही चुके हैं, अब हम लोग 7 और 12 को भी देख लेते हैं कि जैसे 7 नंबर पर क्लिक किया तो 7 नंबर पर क्लिक करने का मतलब क्या है, ये हमारी सप्लाई एक IC के अंदर जा रही है। ये देखिए IC लगी MT6765, ये हमारी कौन सी IC है, पावर IC है।
ये देखिए इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ये सप्लाई हमारी इस आईसी के अंदर इन हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पिछले फिर वही पेज में चलते हैं जहाँ से सप्लाई हमारी आ रही थी। ये आपका यूआई कनेक्टर है। अगर आप इसके सप्लाई ट्रक को देखेंगे तो सबसे पहले बात, इसके बाद वही TP14 लिखा हुआ है। TP14 को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद फिर अपने लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर इसको कंट्रोल वी करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो TP14 खुल जाएगा। TP14 के बाद आप क्लिक करेंगे तो तुरंत बता देगा कि भाई TP14 का पॉइंट यहाँ पर दिया है, हम इसको माइनस करेंगे जूम। तो ये हमारा वी बस का USB का पॉइंट है। यहाँ पर जो कनेक्टर पर जो सप्लाई आएगी, ये कनेक्टर के पॉइंट से दिए हुए हैं। कनेक्टर के पॉइंट से अगर सप्लाई पहले पत्ते पे यहाँ से आएगी, फिर उसके बाद गोले पे जाएगी। गोले के बाद सप्लाई फिर कहीं ना कहीं आगे जाएगी। अब आगे कहाँ जाएगी, वो आगे का भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आगे के पॉइंट के लिए फिर आप देखेंगे, डायोड पे जाएगी। ये डायोड का नंबर कितना हुआ है, TVS 1902। इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद फिर अपने लेआउट में गए, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर हमने डायोड को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे सर्च किया तो सर्च करते ही देखो यहाँ पर ऑप्शन खुल गया, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसने अपने डायोड की पोजीशन को खोल दिया कि भाई देखिए डायोड तुम्हारा यहाँ पर लगा है। ये देखिए ये तुम्हारा डायोड लगा है। इस डायोड पे वो जैक से सप्लाई होने के बाद कहाँ पर जाएगी, इस डायोड पे जाएगी। डायोड के बाद ये आपकी आईसी लगी हुई है। उसके बाद फिर आप इसके लेआउट में जाएंगे। डायोड के बाद आगे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर, दो कैपेसिटर लगे, एक C40 C110, इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल सी, लेआउट में गए, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, सर्च किया, क्लिक किया, तो देखिए उसने कैपेसिटर को क्या कर दिया, ये नहीं अभी मिला इसको। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड के अंदर वो कैपेसिटर नहीं भी होते हैं, वो NC होते हैं, नॉट कनेक्टेड होते हैं, मतलब कंपनी उनको लगाती भी नहीं है, ब्लैंक करके छोड़ देती है। इसको लिया, फिर इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर हम लोग अपने 6A बोर्ड पे गए, कंट्रोल वी किया, सर्च किया, P110 पे खुल गया। यहाँ भी देखिए कैपेसिटर ये लगा हुआ C110, ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिए तो ये सप्लाई सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पर आई थी, डायोड पे आ रही थी। डायोड के बाद आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ। तो ये जितने भी सारे लगे हुए हैं, ये सब कौन से ट्रैक के लगे हैं, ये उसी चार्जिंग के ट्रैक में लगे हुए हैं। अगर आपके चार्जिंग के ट्रैक के अंदर इसमें से कोई भी एक सप्लाई लाइन में अगर शॉर्टिंग हो जाएगी, तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक ही प्रॉब्लम आएगी कि चार्जिंग होना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों, जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग की समस्या होती है, वो चार्जिंग की समस्या को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करते हैं और इस PDF के माध्यम से सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा हुआ है कि किस तरीके से सिमेटिक के माध्यम से जो भी चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग के जो ट्रैक होते हैं, चार्जिंग के वे होते हैं, उन सब चीज़ों को समझा हुआ है। अब हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिमेटिक के माध्यम से कैसे इसको और भी ट्रैक से कैसे जोड़ा जा सकता है, या इसको आपस में सेम बोर्ड में रख करके बिटमैप के द्वारा आपस में कंबाइंड करके एक ऐसे मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट को डायग्नोस किया जाता है, ये ट्रैक को ढूंढा जाता है, वो हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। तो आज की दोस्तों वीडियो में इतना ही, और वीडियो के माध्यम से हम आपको चार्जिंग की जो आने वाली जो समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे, फॉल्ट को ट्रैक को चेक करेंगे। ये चार्जिंग के टॉपिक के बारे में कम से कम आपको 8 से 10 वीडियो मिलेगा, जिसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप क्लियर हो पाएंगे कि चार्जिंग की समस्या को बिल्कुल आसानी के साथ में उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप डिटेल बाय डिटेल, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप आप सीखते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को वॉच करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट में मैसेज करें। ये सारी बिल्कुल एडवांस लेवल की वीडियो है जो आपको मिल रही है, जिसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन में आने वाली समस्याओं को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें, दिन में कभी भी वीडियो कॉल करें और देखें कि कैसे क्लासेस चल रही हैं, कैसे आपको सिखाया जाता है और आप मेरे पास जब ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो किस तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.